मतलब खुशी सातवें आसमान पे होगी क्योंकि जो इतने सालों से जिस चीज का इंतजार था आप ही बता दीजिए क्या कुछ हुआ है ना। मेरी सगाई फिक्स हो गई है, सबको पता है, और जिन सर्कमस्टेंसेस में हुई, जिस तरह से हुई, इतने डिफ़िकल्ट हैं, घर वाले अभी भी खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, जो भी है, पर एट लास्ट मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज की तरह हो रही है, तो ऑब्वियसली खुशी तो नौवें आसमान पर पहुंच गई है। तो किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है और क्या कुछ चीज़ें शादियों की तैयारियों के लिए डिस्कस हो रही है? खाने का मेन्यू आजकल तो वेडिंग प्लानर्स होते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस मतलब करना पड़ता है लेकिन उतना नहीं करना पड़ता, तब तो सब कुछ घर में हम लोग, मतलब मैं पैकिंग में दुल्हन हूँ और मैं पैकिंग भी खुद कर रही हूँ गिफ्ट्स की, और पूरा मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि कल खाने में क्या बनेगा, मेरी सगाई है तो फुल एक्साइटमेंट चल रहा है घर में, फुल तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा लास्टली जितनी समीरा नैना के लिए ये खुश है खबरी है उतनी ज़्यादा फैंस के लिए भी, तो फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई एम श्योर कि जितनी हमारे लिए उससे कई ज़्यादा हमारे फैंस खुश हैं। आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच गाइज इतने सारे प्यार के लिए, मतलब मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ लेकिन वो जब भी मैं बोलती हूँ ना आपका प्यार उससे थोड़ा और ज़्यादा ही होके हमें हमेशा मिलता है, तो आप प्लीज़ हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, वी रियली रियली नीड दिस, थैंक यू। Thank you.